किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीवामृत के बारे में। जी हां, जीवामृत की विधि हम यहां पर जानेंगे, किस तरह से आप घर बैठे अपने खेत पर जीवामृत बना सकते हो और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि जीवामृत इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन से फ़ायदे आपको फसल में दिखाई देने वाले हैं। इसलिए किसान भाइयों अगर आप जैविक खेती करना चाहते हो या फिर जीवामृत जैसे उर्वरक का इस्तेमाल अपने खेत में करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि जीवामृत है क्या। जीवामृत एक जैविक खाद है जिसे हम गोमूत्र, गाय का गोबर, गुड़, बेसन और मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं उनकी मदद से बनाते हैं। इसका प्रमुख कार्य अगर देखें तो प्रमुख कार्य है कि मिट्टी में अपने कार्बनिक पदार्थों की जो संख्या है उसको बढ़ाना, मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें सुधार लाना, साथ ही मिट्टी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सुधार लाना। इस तरह से जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाना, जो भी अपनी फसल के जड़े हैं उनसे जो अपटेक होता है न्यूट्रिएंट का उसमें भी ये मदद करता है। इसलिए जीवामृत को एक कंप्लीट जैविक उर्वरक माना जाता है। अगर आपको जैविक खेती करनी है या फिर आपको अगर मिट्टी में थोड़े से सुधार लाने हैं तो जीवामृत आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए किसान भाइयों सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको एक एकड़ के लिए जीवामृत तैयार करना है तो उसकी सामग्री क्या है। सामग्री में आपको सबसे पहले लेना है गोमूत्र, आपको लेना है आधा लीटर। उसके बाद लेना है गाय का गोबर, अगर देसी गाय है तो उसका गोबर लीजिए, अच्छा माना जाता है, तो उसे लेना है आधा किलो। उसके बाद गुड़ लेना है, हमें काला गुड़ लीजिए, जो ऑर्गेनिक गुड़ माना जाता है उसको लीजिए, 100 ग्राम गुड़ लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि बेसन लेना है 100 ग्राम, और जो बांध के ऊपर की मिट्टी होती है या फिर बरगद के नीचे की मिट्टी हमें लेनी है, 2 से 4 चम्मच लेना है, या फिर एक मूठ जो होती है वो मिट्टी हमें लेनी है। किसान भाइयों ये थी सामग्री। अब जानते हैं कि जीवामृत बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 लीटर का क्या करना है, प्लास्टिक ड्रम लेना है। उसमें क्या करना है, पहले 3 लीटर पानी मिलाना है। उसमें हमें क्या करना है, ऊपर की जो सामग्री है वो एक एक करके, यानी सबसे पहले गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और जो हमने बरगद के नीचे की या फिर बांध की जो मिट्टी ली थी उसको मिलाना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, ध्यान में रखिए कि उसकी जो गांठें ना बने, सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और एक जैसा मिश्रण बनाए। उसमें बाद में क्या करना है, हमें फिर क्या करना है, 7 लीटर पानी मिला देना है, यानी कुल पानी कितना हो जाएगा, लगभग 10 लीटर का घोल बन जाएगा। इस घोल को हमें फिर से अच्छी तरह से मिलाना है और उस प्लास्टिक ड्रम को हमें क्या करना है, कपड़े से ढक देना है और छांव में रख देना है। लगभग हमें क्या करना है, उसे 6 से 7 दिन तक उस छांव में रहने देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हर सुबह और शाम को जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो काठी होती है उससे क्या करना है, सुबह शाम हमें 2 बार उसे हिलाना है। उसके बाद में फिर हमें कपड़े से बंद कर देना है और उसे 6 से 7 दिन के लिए रखना है। इस तरह से अगर आप 6 से 7 दिन के लिए ये सेम विधि करते हो तो 7वें 8वें दिन आपका जीवामृत बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब जानते हैं इसके उपयोग की विधि के बारे में। जो तैयार हुआ जीवामृत है, 10 लीटर जीवामृत है, आप उसे क्या कर सकते हो, 200 लीटर पानी मिलाकर या तो ड्रिप से छोड़ सकते हो, ड्रेंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कई सारे किसान इसको छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। छिड़काव में भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बस एक काम करना है, जो सूती कपड़ा होता है उससे क्या करना है, इसे छान लेना है। छानने के बाद जो भी लिक्विड है उसे हमें इस्तेमाल करना है और जो बचा हुआ जो कचरा है ऊपर का उसे हम निकाल के फेंक देना है। किसान भाइयों यही जीवामृत अगर आप अपनी फसल में लगभग हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या फायदे दिखाई दे सकते हैं। पहला फायदा है, आपके पत्ते का जो आकार है उसमें सुधार दिखाई देगा। आकार बढ़ने के कारण आपका पत्ता हरा हो जाएगा और हरे पत्ते पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। फायदे में क्या होगा, अपने फसल के ऊपर फल और फूल इनकी संख्या बढ़ेगी, यानी फसल के कुल उपज बढ़ने में बहुत ही अच्छी मदद होगी। आपके पत्ते जो है वो कम सूखने लगेंगे, उसका उनका गिरना भी कम हो जाएगा।
शुरुआती अवस्था में फसल में आप अगर जीवामृत का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो बुआई किए गए बीज है उनका अंकुरण भी बढ़ने लगता है और अंकुरण के बाद उनका जो शुरुआती वानस्पतिक विकास है वो भी तेजी से होता है। साथ ही वानस्पतिक विकास में जो अपने फसल में हम चाहते हैं कि ज़्यादा शाखाएं आए तो वो भी पॉसिबल है अगर आप जीवामृत इस्तेमाल करते हो। आपके फसल के ऊपर फूलों की संख्या बढ़ सकती है, आपके फसल के ऊपर फूल और फल का झड़ना कम हो सकता है, आपकी फसल में फल का जो आकार है उसमें भी हमें भारी सुधार दिखाई देता है, फल के ऊपर जो एक शाइनिंग आती है, जो कलर आता है उसमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है अगर हम फसल में जीवामृत का इस्तेमाल करें। इस तरह से जीवामृत का और एक फायदा है, वो आपकी फसल को एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा। जी हाँ, अगर आप जीवामृत हर 15 दिन के अंतराल पर करते हो तो आपकी फसल कीट और रोगों के लिए कम, यानी बहुत ही कम कीट और रोगों का प्रकोप आपकी फसल के ऊपर हो सकता है। साथ ही अगर आप जीवामृत आपके मिट्टी में इस्तेमाल करते हो, मिट्टी के द्वारा इस्तेमाल करते हो, तो मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार दिखाई देगा। जीवामृत इस्तेमाल के बाद जो भी हम रासायनिक उर्वरक अपनी मिट्टी में मिलाते हैं उनका अपटेक यानी उनका जो अवशोषण है उसमें भी हमें सुधार दिखाई देगा। अगर हम मिट्टी में लगातार जीवामृत इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों, आपके मिट्टी में नैसर्गिक केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ, केंचुओं को एक ऑक्सीजन देने का काम करेगा आपका जीवामृत, साथ ही मिट्टी को भुरभुरा बना देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए वहाँ पर जिंदा रहें। इस तरह से आपके मिट्टी को सुधार कर उसकी उर्वरक क्षमता को ये बढ़ाता है और आपके मिट्टी में जो अलग अलग बैक्टीरिया है, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, उनकी संख्या भी ये बढ़ाता है। इस तरह से आप कह सकते हो कि आपकी मिट्टी अगर आपको उपजाऊ बनानी है तो आपको जीवामृत ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, कई सारे फायदे हैं जीवामृत के, मैंने कुछ ही चुनिंदा फायदे आपको बताए हैं। इस तरह से अगर आप अपने घर के ऊपर इसे बनाते हो, आपके खेत में इस्तेमाल करते हो, तो किसान भाइयों डेफिनेटली आपको कई सारे अच्छे फायदे होने वाले हैं, वो भी काफ़ी कम खर्चे में। किसान भाइयों, ये थी जीवामृत की कुछ जानकारी। हमने देखा कि जीवामृत क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके फ़ायदे कौन से होने वाले हैं। अगर ये आपको जानकारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर करें। अभी तक आपने अगर भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए और किसान भाइयों वीडियो देखते रहिए। ये भी हमें बताएं कि अगला वीडियो आपको भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर कौन सा देखना है। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा उस विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।